कहानी शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है कि लूका नाम का राक्षस होता है जो अपने माता पिता के साथ समुद्र में रहता था। उसके माता पिता उसके लिए बहुत चिंतित होते हैं क्योंकि वह हर चीज से बहुत डरता था। एक दिन उसे एक राक्षस मिलता है जिसका नाम अल्बर्टो होता है। वह अल्बर्टो के साथ समुद्र के तट पर जाता है। जैसे ही वह समुद्र से बाहर निकलता है तो इंसानी रूप में आने लगता है। अल्बर्टो उसे बताता है कि जैसे ही पानी उन्हें छुएगा तो वह राक्षस बन जाएंगे और जब पानी उन पे सूखेगा तो वह इंसान बन जाएंगे। तो अल्बर्टो लूका को अपने साथ एक टूटे से लाइट हाउस में ले जाता है जहाँ पे अल्बर्टो रहता था। वहाँ पे अल्बर्टो ने काफी सारा सामान जमा कर रखा था। लूका उनमें एक फोटो देखता है जो वेस्पा स्कूटर की होती है। लूका उस वेस्पा स्कूटर के बारे में अल्बर्टो से पूछता है तो अल्बर्टो से बताता है कि ये वो स्कूटर है जिससे वह पूरी दुनिया घूमना चाहता है। तो लूका उसे बताता है कि उसके लाइट हाउस में काफी ज्यादा सामान है इससे वो लोग वेस्पा बना सकते हैं। तो अल्बर्टो सोचता है कि ये बात सही है और वह दोनों वेस्पा बनाने लगते हैं। वेस्पा स्कूटर लकड़ी और लोहे के सामान से बना होता है। वे दोनों उस स्कूटर से काफी खेलते हैं। जब शाम होती है तो लूका अपने घर जाने में लेट हो जाता है। जब वह लेट घर पहुँचता है तो उसके माता पिता लूका को बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि वह उसे उसके अंकल के साथ छोड़ देंगे जो गहरे समुद्र में रहते हैं। और उसके अंकल लूका को बताते हैं कि वह बहुत गहरा समुद्र है। वो इतनी गहराई में रहते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। और लूका ये सुन के बहुत डर जाता है और घर छोड़ के भाग जाता है अल्बर्टो के पास। लूका अल्बर्टो को सारी बात बता देता है कि वह घर छोड़ के आ चुका है अपना। तो अल्बर्टो भी लूका को बताता है कि वह भी अकेला रहता है, के माँ बाप भी नहीं है। रात भर वे दोनों काफी बातें करते हैं। जब खुले आसमान के नीचे होते हैं तो लूका अल्बर्टो से पूछता है कि आसमान में चमकने वाली चीज वो क्या है। तो अल्बर्टो बताता है कि वो बहुत छोटी छोटी मछलियां हैं। और चांद के बारे में जब लूका पूछता है अल्बर्टो से तो अल्बर्टो बताता है ये बहुत बड़ी मछली है जो सारी छोटी मछलियों की रक्षा कर रही है। जब वे दोनों एक टापू पे पहुंचते हैं तो वहां पे वे दोनों देखते हैं कि कई सारे लोग वहां पे रह रहे होते हैं। जैसे ही वे दोनों आगे शहर की तरफ बढ़ते हैं तो एक बदमाश लड़का आता है और लूका को एक फव्वारे के अंदर डुबोने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और लूका को बचा लेती है। इसका नाम जूलिया होता है। तो जूलिया उन दोनों को बताती है कि ये वो लड़का है जो हर बार यहाँ की रेस में जीत जाता है, इसलिए यहाँ पे ये इतना बदमाशी कर रहा है। तो वे दोनों जूलिया से रेस के बारे में पूछते हैं कि रेस क्या होती है। तो जूलिया उन्हें बताती है कि रेस यहाँ पे एक खेल होता है जिसे जीतने वाले को कई सारे पैसे मिलते हैं। तो लूका अल्बर्टो से बोलता है कि अगर हम ये जीत जाएं तो हम वेस्पा खरीद सकते हैं। तो जूलिया उन दोनों को बताती है कि इस रेस के तीन पार्ट होते हैं, सबसे पहला तैरना, दूसरा खाना, तीसरा साइकिलिंग रेस। जो इन तीनों को पार्टों को जीत जाएगा उसी को पैसे मिलेंगे। और लूका अल्बर्टो से बोलता है कि जैसे ही पानी में जाएंगे तो राक्षस बन जाएंगे, इसलिए वो दूसरे और तीसरे ही पार्ट को चुनेंगे जिसमें पास्ता खाना और सिर्फ साइकिलिंग होगी। तो जूलिया, अल्बर्टो और लूका ये तीनों लग जाते हैं पैसे जमा करने के लिए ताकि वे रेस में हिस्सा ले सकें। और जूलिया उन दोनों को अपने घर ले जाती है। वे दोनों जब जूलिया के घर जाते हैं तो देखते हैं कि जूलिया के पापा का तो एक हाथ ही नहीं है और वे एक ही हाथ से सारा काम कर रहे होते हैं। तो जूलिया के बाप उन दोनों से बोलते हैं कि पैसा जमा करने के लिए उन दोनों को भी मदद करनी होगी। तो लूका और जूलिया मछलियां बांटने चले आते हैं और अल्बर्टो और लूका के बाप ये दोनों मछली पकड़ने के लिए समुद्र में चले आते हैं। अल्बर्टो उनसे कई सारी मछली पकड़वा देता है क्योंकि उसे सब पता होता है कि समुद्र में किस जगह कितनी मछलियां होंगी। इस तरह से उन तीनों के पास रेस में हिस्सा लेने के लिए पैसे हो जाते हैं। एक रात को लूका और जूलिया जब आपस में बात कर रहे होते हैं खुले आसमान के नीचे, तो लूका जूलिया को बताता है कि आसमान में जो भी चीज चमक रही है वह सारी मछलियां हैं। तो जूलिया उसे बताती है कि वह मछलियां नहीं है, वह सितारे हैं और चांद है। और जूलिया लूका को एक टेलीस्कोप से कई सारे तारे दिखाती है। और जब लूका पूछता है कि ये उसको ये सब चीजें कैसे पता है, तो वह बताती है कि स्कूल जाने से उसे ये सब चीजें पता चली हैं। तो लूका का भी मन करता है स्कूल जाने के लिए और कई सारी चीजें सीखने के लिए। जब लूका अल्बर्टो को बताता है कि वह स्कूल जाना चाहता है तो अल्बर्टो उसे बोलता है कि उनका सपना तो दुनिया घूमने का था वेस्पा खरीद कर। इस वजह से उन दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है और अल्बर्टो गुस्से में जूलिया को बता देता है कि वह दोनों समुद्री राक्षस हैं और वह दोनों आपस में बात करना बंद कर देते हैं। जब लूका को लगता है कि शायद वही गलत है तो वह अल्बर्टो को मनाने जाता है उसी लाइट हाउस में। और उस लाइट हाउस में लूका अल्बर्टो से मिलता है तो वह उसे माफी मांगता है और बोलता है कि उसे माफ कर दे और वह रेस के लिए चले। तो अल्बर्टो उसे डांट देता है और वापिस आने के लिए बोलता है कि उसका कभी भी कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वह एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो भी वहां से चला जाए। और लूका वहां से गुस्से में चला जाता है और सोचता है कि अकेले ही वह रेस जीतकर वेस्पा खरीद लेगा। और रेस वाले दिन वह अकेले ही जाके रेस में पार्टिसिपेट कर लेता है और अकेले ही रेस जीतने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही तैरने वाला पार्ट शुरू होता है तो वह समुद्री ड्रेस पहनकर रेस के लिए निकल पड़ता है और वह उस रेस को खत्म कर पास्ता खाने वाली रेस में आ जाता है और फटाफट पास्ता खाकर वह साइकिलिंग के लिए निकल पड़ता है। और इतने बीच लूका के मम्मी पापा भी वहां पे उसको ढूंढने के लिए आ जाते हैं। जब वे लूका को ढूंढ ही रहे होते हैं तो वह लूका को साइकिल चलाते हुए देख लेते हैं। तभी आसमान से बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो लूका को मजबूरन रुकना पड़ता है क्योंकि अगर वह बारिश में साइकिल चलाएगा तो गीला होते ही
वह राक्षस के रूप में आ जाएगा। तभी अल्बर्टो वहाँ पे छाता लेके आ रहा होता है तो उसे वही रास्ते में बदमाश लड़का मिलता है और उसे गिरा देता है, जिससे कि अल्बर्टो के हाथ से छाता छूट जाता है और वह बारिश में भीगने लगता है। तभी वह समुद्री राक्षस में बदल जाता है और सारे लोग उसको पकड़ने लगते हैं। तभी लुका साइकिल से उस बारिश में आ जाता है और वह भी समुद्री राक्षस बन जाता है और वह दोनों साइकिल पे बैठकर वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते जब वह साइकिल से नीचे गिर जाते हैं तो जूलिया वहां पे आकर उन दोनों को बचाने लगती है और जूलिया बोलती है कि कोई भी उन्हें ना छुए, ये उसके दोस्त हैं। तभी जूलिया के पापा वहां पे आते हैं जो गांव के सबसे लंबे चौड़े इंसान होते हैं। वे आकर वहां पे बोलते हैं कि वे दोनों लुका और अल्बर्टो रेस जीत चुके हैं क्योंकि उनकी साइकिल लाइन पार कर चुकी है। तभी लुका के मम्मी पापा भी राक्षस वाले रूप में आ जाते हैं और बाकी सारे लोग राक्षसों को अपना लेते हैं। और आखिरी के सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुका एक ट्रेन में स्कूल के लिए जा रहा होता है और अल्बर्टो उसे स्टेशन पे छोड़ने आता है। अल्बर्टो लुका को वहाँ पे आखिरी बार बाय बोलता है और मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू।